सत श्रीकाल फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ते स्वागत है थोड़ा सारिआं दा थोड़े अपने चैनल दे उत्ते। एंड जे तुसीं गवर्नमेंट जॉब दी प्रिपरेशन कर रहे हो तां असीं इह चैनल तुहाडे लई बणाया है। ते असीं लास्ट वीडियोज़ दे विच डिस्कस कीते सीगे एवरेज बेस्ड क्वेश्चनस, ते इन्हां वीडियोज़ दे नाल तुसीं इह सारे ही एग्जाम्स नूं कंपीट कर सकदे हो जो कि सारे ही गवर्नमेंट जॉब्स दे नाल रिलेटिड है। जे तुसीं इस चैनल ते नवें हो तां प्लीज़ बैल आइकन नूं दबाना और सबसक्राइब करना ना भुल्यो ता कि तुहानूं लेटैसट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहन। सो असी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन डिस्कस किए थे 28 तक, तो अज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करा। सो अज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑफ द थ्री नंबरस द फर्स्ट इज ट्वाइस द सैकेंड एंड सैकेंड इज थ्राइस द थर्ड नंबर। कहते जो तीन नंबर है थोड़े पास, फर्स्ट नंबर जोड़ा है ट्वाइस है सैकेंड के और सैकेंड नंबर है तीन गुणा थ्राइस है थर्ड के। इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबरस इज 20, तो इन तीन नंबर की एवरेज दिखती हुई है, दैन फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो जिहड़ा भी सब तो बड़ा नंबर होएगा, जिहड़ा सब तो छोटा नंबर होएगा, उहदी असीं एवरेज उन्हां दोनों का असीं सम फाइंड आउट करना है। सो सिंपली इत्थे आपां कंसीडरेशन दे बेसिस ते करना है। सो लैट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू ए, ते सैकेंड नंबर की हो गया क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग। देखो थर्ड नंबर जिहड़ा इहनूं की गया सीगा, सैकेंड नंबर उहदे थ्राइस दे बराबर आ, दैट इज़ थ्री ए, ते फर्स्ट नंबर हो गया थोड़ा सिक्स ए। सिक्स ए किदां होया, क्योंकि इहदे ट्वाइस दे बराबर सीगा, इहदा ट्वाइस की हो गया थ्री इंटू टू सिक्स ए। ठीक है जी, सो अगे इहनूं सॉल्व कर लैणा। देयरफॉर सिक्स ए प्लस थ्री ए प्लस ए, इन्हां दी एवरेज कदे इक्वल दित्ती है 20, दैट इज़ थ्री इंटू 20 हो गया साढ़े पास 60। जो इन सॉल्व करेंगे इन्हों सारे का सम आ गया 10 ए इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू आ गया 6। तीन क्वेश्चन के पूछा की है सानू सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर की आ गया, देखो सब तो छोटा किड़ा है ए है, दैट इज 6, तो लार्जेस्ट नंबर की आ गया, इन्होंने सब तो लार्जेस्ट है 6 ए, दैट इज 6 इंटू 6 36। देयरफॉर सम की आ गया इन्हों 36 छोटे का और बड़े का सम की आ गया 42। सो 42 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज़ द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड द सेकेंड इज़ द ट्वाइस ऑफ द थर्ड, द एवरेज ऑफ द थ्री नंबरस इज़ दिस। कहते तीन नंबर है, फर्स्ट जोड़ा है वह सैकेंड के ट्वाइस के बराबर है और सैकेंड जोड़ा है वह थर्ड के ट्वाइस के बराबर है। उही सेम क्वेश्चन जब असं पिछे किया, इतने भी असं कंसीडर कर लेना, लैट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू ए, सैकेंड नंबर की आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ए, फर्स्ट नंबर की आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा जी फोर ए। देयरफॉर आपां की कह सकते, इन्हां सारिआं दा जिहड़ा एवरेज दित्ती हुई है दैट इज़ इक्वल टू 21, क्वेश्चन दे विच गिवन है 21 इंटू 3, सो ये आ गया साढ़े पास 63। जदों इहनूं ऐड किया 7 ए इज इक्वल टू 63, ए दी वैल्यू की आ गई 63/7 9, सो ए इज इक्वल टू 9। सो स्मॉलेस्ट नंबर की है जी इत्थे 9 इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, द नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एवरेज फॉर द मिसटेक डन अर्लीयर। देखो मिसटेक्स के उत्ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान समझने क्योंकि इन्हों क्वेश्चन आता ही आता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के कंपीटिटिव एग्जाम्स के। ठीक है, कोई भी एग्जाम तुम्हें कंप्लीट करना तो इस बेसिस से क्वेश्चन थोड़ा पूछे ही जाने, इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो द क्वेश्चन है 31, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रंस इज 35, एवरेज मार्क्स है 35 चिल्ड्रन की क्लास है 35, इन्हों एवरेज मार्क्स दिते हुए हैं। द मार्क्स ऑफ द वन ऑफ द स्टूडेंट हु गोट 35 वॉज इनकोरैक्टली प्लेस्ड 65। एक स्टूडेंट से जिसे मार्क्स 35 से बट वो इनकोरैक्टली लिखे गए 65, वट इज़ द करैक्ट एवरेज ऑफ द क्लास। हूँ करैक्ट एवरेज कटनी है, सो यदा सोल्यूशन देख लेंगे असी, टोटल इनकोरैक्ट मार्क्स
ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਟੋਟਲ ਇਨਕੋਰੈਕਟ 3 35 × 35 ਦੈਟ ਇਜ 1225 ਅਤੇ ਇਨਕੋਰੈਕਟਲੀ ਐਡਿਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ 65 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 35 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 65 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਨਕੋਰੈਕਟਲੀ ਐਡਿਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦੇਅਰਫੋਰ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਟੋਟਲ ਕੁਰੈਕਟ ਮਾਰਕਸ 1225 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੇ 1195 ਅਤੇ ਕੁਰੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਕੁਰੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1195 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 35 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 34.14 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ 34.14 ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਸਿਕਿਉਰਡ ਬਾਏ 36 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਥ 52 36 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ 52 ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦੈਟ ਐਨ ਆਈਟਮ 64 ਵਾਜ ਮਿਸ ਰੀਡ ਐਜ 46 ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 64 ਨੂੰ 46 ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸਰੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੈਕਟ ਮੀਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਕੁਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਕੁਰੈਕਟ ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 64 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੈਕਟ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 46 ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਰੈਕਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 18 ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੁਰੈਕਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 52 ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨ ਹੈ 36 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਲੱਸ 18 ਅਪੋਨ 36 ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 52 ਪਲੱਸ 0.5 ਦੈਟ ਇਜ਼ 52.5 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੇਕ ਅ ਰਨ ਆਫ 87 ਮੇਕਸ ਅ ਸਕੋਰ ਆਫ 87 ਰਨਸ ਇਨ 17 ਇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹਿਜ ਐਵਰੇਜ ਬਾਈ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 87 ਰਨਸ ਬਣਾਏ 17 ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ ਐਵਰੇਜ ਆਫਟਰ 17 ਇਨਿੰਗ ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ 17 ਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਰਨਸ ਇਨ 16 ਇਨਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 87 ਮਾਈਨਸ 17 ਇੰਟੂ 3 87 ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ 17 ਮਾਈਨਸ 3 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 87 ਮਾਈਨਸ 51 ਦੈਟ ਇਜ਼ 36 ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 36 ਅਤੇ 3 ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋ 39 ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ ਆਫਟਰ 17 ਇਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰਨ ਆਫ ਦਾ ਆਫ ਅ ਪਲੇਅਰ ਇਜ਼ 32 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਇਨਿੰਗਸ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਰਨ ਸੀਗੇ 32 10 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਨਸ ਮਸਟ ਹੀ ਮੇਕ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਹਿਜ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 6 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੈਕਸਟ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਰਨਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟ ਹੀ ਸਕੋਰਸ ਏ ਰਨਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਇਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਕਸ ਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ 10 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ 32 ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੋ 10 × 32 ਪਲੱਸ ਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ
6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 38 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 320 ਪਲੱਸ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 418 ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 418 ਮਾਈਨਸ 320 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 98 ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 98 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 35 द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स इज 40 बैटिंग एवरेज जितनी भी 30 इनिंग्स के किसी क्रिकेट प्लेयर की 40 रनस की है मीनस वो 40 रन स्कोर कर रहा 30 इनिंग्स के हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन उसके हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर तो 100 ज़्यादा नहीं इफ दीज टू इनिंग्स आर इंक्लूडिड द एवरेज रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38 रन कहते अगर ये भी रन उसके ऐड कर दिए जाए तो उसकी एवरेज 38 रनस की रहेगी 28 इनिंग्स के लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर तुम लोएस्ट स्कोर फाइंड आउट करके दसना है किन्ना है ठीक है सो ये भी देख लेंगे कि करना है क्वेश्चन लैट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू ए जी चीज़ असं कटनी उन्होंने असं ए एक्स या कुछ भी कंसीडर कर लेना तो हाईएसट कि है जिन्हें भी लोएसट से 100 ऐड कर देने क्योंकि 100 ही नहीं की क्या है लोएसट तो एक्सीड कर देने सो क्वेश्चन की बन गया सिचुएशन की बन गई 28 इंटू 38 देखो पहले 28 दे 38 रन से प्लस ए लोएसट से प्लस आदि हाईएसट से ए प्लस 100 इज इक्वल टू टोटल वो फिर कि बन गई इनिंग्स 30 दे 40 रन सो इक्वेशन बन गई इनू जो असं सोल्व करना है फर्दर सोल्व करा तो यह आ गया साढ़े पास 2 ए इज इक्वल टू 36 ए इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 18 सो दे लोएसट रन किन्ने होने 18 ठीक है जी तो नैक्सट आ गया जी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 द बॉलिंग एवरेज ऑफ द क्रिकेटर वॉज 12.4 किसी क्रिकेटर की बॉलिंग एवरेज 12.4 है ही इंप्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन हिज लास्ट मैच कहते उसकी बॉलिंग एवरेज 0.2 के नाल इनक्रीज होगी जो 5 विकेट 26 रनस के नाल रही और लास्ट मैच के The number of wickets taken by him before the last match. ਕਿੰਨੀਆਂ wickets ਹੁਣ last match ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਜੇ ਹੁਣ last match ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੈਟ ਐਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਲੈਟ ਵਿਕਟਸ ਟੇਕਨ ਬਿਫੋਰ ਲਾਸਟ ਮੈਚ लास्ट मैच तो पहला मान लो ए उन विकेट्स लिया सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बन गई 12.4 ए प्लस 26 अपॉन ए प्लस 5 इज इक्वल टू 12.2 देखो 12.4 इनक्रीज हुई उसकी बॉलिंग एवरेज सी ठीक है 26 रन उन लास्ट मैच के ले तो विकेट्स लिया 5 और सानू लास्ट मैच के विकेट्स नहीं पता सगिया असी ए कंसीडर कर लिया तो 12.2 उसकी इनक्रीज लास्ट एवरेज होएगी क्योंकि 2.2 इनक्रीज हो रहा है ठीक है सो जो इन असं सोल्व करना है फरदर इन क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12.4 ए प्लस 26 इज इक्वल टू 12.2 ए प्लस 61 ए आ गया 12.4 ए माइनस 12.2 ए इज इक्वल टू 61 माइनस 26 फरदर सोल्व करा 0.2 ए इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35 अपॉन 0.2 सो ये आ गया साढ़े पास ए इज इक्वल टू 175 सो विच इज़ द राइट ऑप्शन दैट मीनस उस बंदे ने कितनियां विकेट्स लिया होनी लास्ट मैच के 175 सो नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 37 जिहड़े कि हैगे मिसिंग नंबरस एंड चेंजिंग एवरेज के उत्ते बेस्ड ये असी नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे अज के लिए यह वीडियो इत्थे खत्म हुई तो इसी तरह जुड़े रहो साडे वीडियो के नाल डेली मैं थोड़े लई नई नवीं वीडियोज़ लेके आता तो जो तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रैपरेशन कर रहे हो डेडिकेटिड हो
ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, GK ਕੁਇਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।